गुड आफ्टरनून। हाय सोनिया जी, सुरेंद्र पाल जी, वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। हम वेट कर रहे हैं कुछ लोगों का और ज्वाइन करने के लिए, एंड देन विल बिगिन इन मे बी वन और टू मिनट्स। रितु जी हाय, सो आई थिंक वी कैन बिगिन नाउ। बहुत लोग तो नहीं है जिन्होंने अभी तक ज्वाइन किया है, बट आई थिंक आई शुड बिगिन। सो वेलकम एवरी वन टू अमूल फेसबुक लाइव। माई नेम इज़ मधु नहाटा और मैं ओवंसा इंदौर से हूँ, और आज हम बनाने जा रहे हैं एक दिवाली स्पेशल रेसिपी जो बहुत ईजी है। घर में इंग्रीडियंट्स जो होते हैं अवेलेबल उसी से बनाई जा सकती है। अगर कोई ऐसा इंग्रीडियंट है जो रेडिली अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शन भी बताऊंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। ये दिवाली स्पेशल बर्फी मैं आपको बताने जा रही हूँ जो हम बनाएंगे रवा से, ठीक है। तो लेट्स बिगिन टुडेज रेसिपी। नावेद जी हेलो। सो यहाँ पे मैंने 1.5 कप्स ऑफ रवा ले लिया है जिसको मैं ऑलरेडी 5 मिनट से रोस्ट कर रही थी, ओके, बिना कुछ डाले। मतलब आपको इसमें घी एक्सेट्रा ये कुछ भी नहीं डालना है, ऐसे ही इसको ड्राई रोस्ट करना है, ओके। तो ये हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका है। वी आर मेकिंग रवा बर्फी टुडे। मैंने एक मिक्सचर तैयार करके रखा है, ओके। इसमें हाफ पार्ट, ये टोटल 1 कप है, तो इसमें हाफ पार्ट ऑफ खोया है एंड सॉरी हाफ पार्ट इज डेसिकेटेड कोकोनट, यानी सूखा जो नारियल रहता है वो है, और हाफ कप इज मिक्स्ड नट्स का मिक्सचर है, ठीक है। उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो ये टोटल 1 कप है। हाफ ऑफ इट इज डेसिकेटेड कोकोनट और हाफ जो है इसमें ये ड्राई नट्स है। मैंने बादाम और काजू लिए थे और उनको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, दर दरा पीस लिया था इस तरह से। ये मिक्सचर ऑलरेडी रेडी है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। एंड 1 टीस्पून मैंने शुगर डाली थी फॉर इवन मिक्सिंग। एक्चुअली ग्राइंडर में जब आप डालते हो और अगर आपको दरदरा रखना है बिना ऑयल छोड़े ड्राई फ्रूट्स को, तो 1 टीस्पून आप शुगर डाल दीजिए। तो जो ग्रैन्यूल्स आप देख रहे हैं ये शुगर के हैं, ये मैंने डाल दिया है। इसके साथ ये गर्म हो जाए उतना ही हमें रोस्ट करना है। तो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। माय नेम इज मधु नहाटा और मैं ओवंसा इंदौर से हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉर सम इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग रेसिपीज, ओवंसा बाय मधु, लिंक मैंने मेंशन कर दिया है। 1/4 टीस्पून हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची सबके घर में होती है, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट भी सभी के घर में होता ही है अवेलेबल, और रवा या सूजी, अगर सूजी यूज कर रहे हो तो आप उसको मिक्सर में एक दो बार पल्स करके थोड़ा सा बारीक ग्राइंड कर लीजिए, तो आपकी जो बर्फी है वो ज्यादा अच्छी बनेगी। सो ये इन टोटल बन गया है अभी 2.5 कप्स ऑफ मिक्सचर, ओके। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो एसेंस भी डाल सकते हैं इसमें। दूसरी तरफ मैंने क्या किया ना, माइक्रोवेव में अमूल की वाइट चॉकलेट वो लेके उसको मेल्ट कर लिया है, उसको मेल्ट कर लिया है। अबाउट 50 ग्राम्स ऑफ शुगर मैंने ली थी, इसको भी साथ साथ में चलाते जाएंगे।
और इसको अच्छी तरह से मैंने मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अमूल मिल्क, थोड़ा सा, नॉट मच। डालेंगे हम अमूल मिल्क, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए बिल्कुल हल्का जी। हेलो, हम बना रहे हैं रवा बर्फी आज। तो अभी तक हमने रवा लिया है, जैसे थोड़ा सेक लिया था 1 कप, और फिर 1 कप मिक्स्ड मिक्सचर मैंने लिया था। मैं बता देती हूँ, 1/2 कप मैंने डेसिकेटेड कोकोनट और 1/2 कप मैंने ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर लिया है, काजू और बादाम का। उसको मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया था। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको दूध डालेंगे अमूल मिल्क, इसमें ज्यादा नहीं डालना है, एक साथ बहुत जल्दी से बन जाती है मिठाई। और एक तरफ मैंने अमूल वाइट चॉकलेट मेल्ट कर दिया है 50 ग्राम्स। और इलायची पाउडर डाला था, आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, अमूल मिल्क पाउडर, टू मेक इट मोर रिचर। तो आप दूध अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। देखिए हमें कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल पतला नहीं करनी है। इस तरह से, और साथ ही अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो हमने अमूल वाइट चॉकलेट मेल्ट किया था, वो मैं इसमें डाल दूंगी। फिर अगर हमें लगता है कि इसमें स्वीटनिंग रिक्वायर्ड है तो ही हम एक्स्ट्रा शुगर इसमें डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दूध जैसे जैसे हमें जरूरत होगी हम डालते जाएंगे। लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस टू फ्रंट। पायल जी हेलो, आज हम बना रहे हैं रवा बर्फी। बहुत इजी और यूनिक रेसिपी है। हमने स्टार्ट किया 1 कप रवा को रोस्ट करने से। 1/2 कप हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाली, 1/2 कप मिक्स्ड ड्राई नट्स को मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया था, आलमंड और कैश्यूज लिए, 1/4 टीस्पून मैंने डाला है इसमें कार्डमम पाउडर यानी इलायची पाउडर, फिर 50 ग्राम्स ऑफ वाइट चॉकलेट, अमूल वाइट चॉकलेट मैंने लिया, उसको मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया, आप चाहे तो डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं। दूध के साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए मैंने वो वाइट चॉकलेट इसमें डाल दी। अब आई थिंक इट इज टाइम कि हम थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे इसमें। अब देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके अबाउट 3 to 4 tablespoons एट ए टाइम डाल रही हूँ मिल्क इसमें। अगर रवा अच्छी तरह से सेकेंगे ना तो आपका प्रोसेस इजी हो जाएगा, आगे आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस बर्फी में। अभी तक हमने ना इसमें घी डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, और ना ही हमने कोई अलग से स्वीटनर डाली है अभी तक। बस ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सारी चीज इनकॉर्पोरेट हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मिक्सचर हमारा दानेदार ही रहेगा, ओके, रिमेम्बर ये मिक्सचर हमारा दानेदार ही रहने वाला है। इसको आप टेस्ट करके चेक कर सकते हो वेदर इट इज स्वीट और नॉट, और अगर आपको लगता है कि इसमें और स्वीटनर की जरूरत है तो हम शुगर ऐड करेंगे फिर, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको ढक देते हैं फॉर अ मिनट, जस्ट फॉर अ मिनट हम इसको ढकेंगे। तो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, मेरा नाम मधु नाहटा है एंड आई एम फ्रॉम ओवेंस अप इंदौर। आज हम बना रहे हैं दिवाली स्पेशल
रवा बर्फी, हमने 50 ग्राम्स ऑफ मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट इसमें डाला है जो हमारा स्वीटनर का रोल प्ले करेगा। अगर आपको स्वीटनेस कम लगती है तो आप और व्हाइट चॉकलेट डाल सकते हैं या 1 or 2 teaspoons ऑफ शुगर डाल सकते हैं। आप टेस्ट करके देख लीजिए आपके घर में किस तरह से शुगर खाई जाती है, कितना मीठा पसंद है उस हिसाब से। आप चाहें तो इस बर्फी में कलर, एसेंस एटसेट्रा सभी डाल सकते हो। दीपक जी हेलो, हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू एवरीवन। आई होप आपके घर में भी फेस्टिव माहौल शुरू हो गया होगा, कई लोगों ने हॉलिडे भी ली होगी, ये आपके फैमिली मेंबर्स जो हो सकता है वर्किंग हो उन्होंने छुट्टी ली हो, आपने ली हो, और मिठाइयाँ नमकीन बनने शुरू हो गए होंगे सभी के घर में। नहीं हुए हैं तो हरी अप, जल्दी से स्टार्ट करिए। अब इसमें थोड़ा सा और हम मिल्क डालेंगे, लिटिल बिट मोर, और थोड़ा सा वाटर, बिल्कुल थोड़ा सा, अबाउट 1.5 tablespoon ऑफ वाटर। इसको मिक्स नहीं करना है, शुगर अपने आप मेल्ट हो जाएगी, फिर से ढक दीजिए, इसको ढक देंगे। ऑन द साइड मैं घी मेल्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा घी हमें ग्रीसिंग के लिए चाहिएगा, उसके लिए आप चाहें तो अपने मर्जी का जो भी एसेंस हो वो इसमें डाल सकते हैं, रसमलाई एसेंस, केसर एसेंस एटसेट्रा। घी मेल्ट करके रख लीजिए ऑन द साइड। सोनिया जी हाय, आप देखिए विद इन 10-15 minutes ये जो है आपकी ये मिठाई रेडी होना स्टार्ट हो जाएगी। इन 25 minutes कंप्लीटली ये रेडी हो जाएगी, बस फिर ठंडा करने का प्रोसेस बचेगा। सोनिया जी आज हम बना रहे हैं रवा बर्फी, दिवाली स्पेशल है ये, इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ। मैंने रवा पहले सेक लिया 1 cup, फिर मैंने उसमें डाला 1/2 cup डेसिकेटेड कोकोनट, 1/2 cup मिक्स नट्स का मिक्सचर, काजू और बादाम का जिसको मैंने दरदरा पीस लिया था, और फिर 50 ग्राम्स ऑफ मैंने अमूल का जो वाइट चॉकलेट आती है उसको मेल्ट करके डाल दिया 50 ग्राम्स। 1/4 teaspoon मैंने इसमें कार्डमम पाउडर डाला है, आप चाहें तो शुगर और डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला है। बाद में मुझे ऐसे लगा कि शुगर थोड़ी कम है तो मैंने अपने हिसाब से उसमें डाली 2-3 tablespoons, और बीच में ढक कर इसे बंद करते गए और हिलाते गए, तो इस टेक्सचर तक आपको लाना है। ओके, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी, वेरी लिटिल बिट ऑफ घी, फ्लेम में ऑफ कर रही हूं, अबाउट 2 teaspoons ऑफ घी मैंने डाल दिया है, और मैं इसको ढक के रख दूंगी, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ, और अब हम शुरू करते हैं इसका जो ग्रीसिंग प्रोसेस है जिसमें हम इसे सेट करेंगे उसको। मैंने इस तरह से एक पैन ले लिया है, आपके पास ट्रे होगी जिसमें बर्फी हम बनाते हैं वो ले लीजिए, घी डाल के उसको ग्रीस कर लेंगे, अमूल घी आप डाल लीजिए। और
बॉक्स को हम ग्रीस करेंगे। आप चाहें तो एसेंस अपने मर्जी से आप डाल सकते हैं मिठाई में। आई लाइक इलायची फ्लेवर तो मैंने वो यूज किया है। इसको मैं अपने हाथों से ही स्प्रेड कर लूंगी अच्छी तरह से। ठीक से स्प्रेड करिए तो लाइफ इजी हो जाएगी। ज्यादा लगाइए थोड़ा सा सो दैट इजीली ये बर्फी निकल पाए। सभी तरफ मैंने ये लगा दिया है। मैं स्मॉलर पैन और ले लूंगी जिसको भी मैं ग्रीस कर दूंगी। रेडी करके रख लेते हैं एक और पैन। अगर मिक्सचर हमें लगा कि ज्यादा है तो इसमें भी डाल देंगे। घी अच्छी तरह से लगाइए। बहुत इजी मिठाई है, जल्दी से बन जाती है और स्वादिष्ट भी बहुत लगती है। इस बर्फी को आप किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। अभी तो दिवाली है तो इट विल बी रियली नाइस अगर आप इसको बनाते हो तो। चलिए एक बार हमारे मिक्सचर की तरफ चलते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये जो हमने बनाया था हमारा मिक्सचर, आई विल टेक अनदर स्पून एक्चुअली। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें इलायची की। आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो वो सब आप इसमें डाल सकते हो। इसको मैं नीचे ले लेती हूँ गैस से। ओके, और एक बार अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बहुत अच्छे से बाइंडिंग कंसिस्टेंसी का हो गया है। और इसको अब हम मिक्स कर रहे हैं। बहुत टेस्टी लगती है ये। आपके जो भी फ्रेंड्स और फैमिली इसको चखेंगे ना, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू लव इट। और दिवाली है, खुशियों का त्यौहार है, दिल से बनाइए और दिल से खिलाइए। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, इजी टू वर्क विथ। तो अब मैं फर्स्ट पैन ले लेती हूँ जिसमें मैं मिक्सचर डालूंगी। इवनली आप स्प्रेड करते जाइए तो फिर एंड में क्या होगा ना, आपका लेवलिंग सही रहेगा। जितनी भी थिकनेस की आपको ये बनानी है उस हिसाब से आप इसमें ये मिक्सचर डाल दीजिए। अच्छी तरह से कॉर्नर्स में भी स्प्रेड करिए तो आपकी जो मिठाई है उसमें, बर्फी है उसमें फिनिशिंग अच्छा आएगा। ओके, और दूसरा मैं ये छोटा पैन ले लेती हूँ, उसमें ये बचा हुआ मिक्सचर डाल देती हूँ। अगर आपको लगता है कि काम करते करते ये मिक्सचर ठंडा हो गया और अच्छी तरह से जम नहीं रहा है तो आप इसको दोबारा से गरम कर सकते हो, थोड़ा सा दूध डाल के भी कर सकते हो। इसको भी स्प्रेड कर देंगे इवनली। कॉर्नर्स अच्छी तरह से कर दीजिए तो आपकी मिठाई में फिनिशिंग अच्छा आएगा। फिर हम लेंगे एक फ्लैट कटोरी। मैंने ये इस तरह की छोटी कटोरी ली है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। इसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए पीछे से। ठीक है, इसको हम प्रेस करना शुरू करते हैं।
थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर दीजिए और इसी टाइम पे हम डाल देंगे इसके ऊपर थोड़े से चॉप्ड नट्स। मेरे पास है यहाँ पे पिस्टैचियोस, पिस्टैचियोस डाल दीजिए। एंड मैं थोड़े से आलमंड्स भी ऊपर से डाल रही हूँ, मिठाई अच्छी लगेगी। ध्यान रखिए ट्रे में डालने के बाद आपको क्विकली वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, आई प्रेफर हैंड्स, हैंड्स क्लीन हो फिर आप इसको प्रेस करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम तक ये मिक्सचर वर्केबल हो जाता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप कटोरी या किसी भी चीज़ से ग्रीस करके उसको उस पर वर्क कर सकते हो। कॉर्नर्स और एजेस का हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा इस पे पैटिंग स्टार्ट करेंगे सो दैट ये अच्छी तरह से स्टिक हो सके। ये ऐसी मिठाई है ना, फूल प्रूफ मिठाई है, इसको आप किसी भी तरह जोड़ तोड़ सकते हैं, ये बनती ही बनती है। ऐसा नहीं है कि ये बिगड़ जाएगा प्रपोर्शन गलत होने से, जैसे बेसन की बर्फी या गुलाब जामुन होते हैं ना, उनमें थोड़ा डिफिकल्टी आती है। इन केस अगर आपको वो चीज़ सही से नहीं पता हो या थोड़ा भी प्रपोर्शन ऊपर नीचे हो जाए तो वो चीज़ सही नहीं बनती है, राइट। लेकिन ये ऐसी मिठाई है ना, कोई भी प्रपोर्शन, जैसे नहीं भी बनाना आता है कुछ भी, वो भी इसको बना सकता है और ये मिठाई सही ही बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट। देखिए कि बर्फी तैयार है विद इन फ्यू मिनट्स, है ना। इसको भी हम कर लेते हैं सेट अच्छे से। तो देखिए कितनी सारी बर्फी हमने बना ली। इसको स्टोर आप फ्रिज में करिएगा, ठीक है। इसको जो स्टोर है आप फ्रिज में करिए लाइक दिस। ये देखिए दो ट्रे बन गए, एक बड़ा एक छोटा। अब आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी की बर्फ भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। होने के लिए आप रखेंगे इसको फ्रिज में। तो हमने बनाई है आज रवा बर्फी, बहुत ही स्वादिष्ट एंड रियली रियली डिलिशियस। ये कभी कभी थोड़ा सा खोलने में आई फील इट इज प्रॉब्लमैटिक। कई लोग हैं जो बर्फ नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हो।
इस तरह से आपकी बर्फी रेडी हो गई है। इसको बाद में आप कट कर सकते हैं जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है उसके बाद। सो आप देखिए विद इन फ्यू मिनट्स 25 मिनट्स एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको कहा था ये बर्फी तैयार हो जाएगी। ठंडा होने के लिए आप इसको फ्रिज में छोड़ दीजिए एंड देन कट करके आप इसको खुद खाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाइए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन माय नेम इज़ मधु नाहटा और मैं ओवन्स अप इंदौर से हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक मैंने मेंशन कर दिया है। थैंक यू अमूल एंड हैप्पी दिवाली एवरीवन।